गुड मॉर्निंग यू गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। डूड, मेरे को ऐसा लग रहा है जब से हम इस घर में आए ना, तब से आई एम वेकिंग अप लेट रोज, मतलब रोज मॉम चिल्लाती रहती है और हम उठने का कोई ठिकाना नहीं है। पहले वाले घर में आई यूज टू वेक अप लाइक एट 11 एंड नाउ इट्स ऑलरेडी 12:30। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा ब्रेकफास्ट और लंच साथ में होने वाला है अभी बाहर। बट एनी वेज, आई हैव अ लॉट प्लान फॉर टुडे। इन फैक्ट आज तो मैंने सोचा है कि मैं मस्त वाली एक्सरसाइज भी करूंगी, क्योंकि वर्कआउट मैं और जीनल पिछले 4-5 दिन से प्लान कर रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग में ही चल रही है। रोज सोचते हैं कल करेंगे और वो कल कभी आ नहीं रहा। तो आज तो हमने कंफर्म सोचा है कि चाहे कुछ हो जाए आज हम वर्कआउट कर ही दम लेंगे। सो चलो वर्कआउट करने के लिए थोड़ा पहले पेट पूजा कर लेते हैं, वरना कुछ नहीं होने वाला आज के दिन। चाय के बिना दिन स्टार्ट करना इज नेवर पॉसिबल। ऑल्सो वो लव्स टू हैव दी सोक पील बादाम, आई लव इट। डूड, मेरे को ऐसे बैठे बैठे कितना भी दे दो, आई थिंक आई कैन हैव इट, बट बस छिला हुआ होना चाहिए। आई डोंट लाइक पीलिंग इट, इट्स वे बोरिंग। सो आइदर माई मॉम और डैड दे डू इट, ऐसा बैठे बैठे टाइम पास के लिए डू इट एंड आई गेट टू हैव इट। हेलो, हाँ भैया 1915 है। 1915 वेलकम। सो ये सामान है कुछ जो अभी आना चालू हुआ है। दिस इज द फर्स्ट पार्सल इन दिस हाउस आई बिलीव, एंड इसका एक हॉल वीडियो बनने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। फाइनली, सो आज मैंने और जीना ने डिसाइड किया है हम सिर्फ थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करेंगे, बिकॉज दिस इज गोना बी अ फर्स्ट डे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और दोनों की कमर बहुत गंदी तरीके से टूटी हुई है, मतलब लिटरली झगड़ गई है हमारी कमर। सो सूर्य नमस्कार इट इज, एंड देन शायद थोड़ा सा प्लैंक भी कर ले। बस कोशिश तो पूरी की थी आज हम लोगों ने एक्सरसाइज करने की, पर ये बिल्ली का मूड कुछ अलग ही चल रहा था, पता नहीं क्यों। इसकी भी देख लो शक्ल, नहीं नहीं देख लो तुम लोग, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी रियली ट्राइड हार्ड। मतलब तुम देख सकते हो कि जीनल की भी हालत बहुत टाइट है, और बिल्ली फिर से अपना बम दिखाते हुए लिटरली एक्सरसाइजेस नहीं हो पा रही थी यार, मतलब स्ट्रेचिंग भी बहुत मुश्किल से की है, बट फिर भी वी गेव ऑल टू द सूर्य नमस्कार। बहुत कोशिशों के बाद मुझे लगा आप कैमरा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत हंसोगे। भाई आज का वर्कआउट तो बहुत ही खतरनाक था, मुझे लग रहा है इतने दिन ऐसा सो के कोरियन सीरीज देख के है ना, मतलब मेरी बॉडी एकदम अकड़ सी गई है। सो वी कुडेंट रियली पुल ऑफ इवन सूर्य नमस्कार ढंग से, मुझे तो वैसे भी वो नहीं आता था, तो मैंने आज ही सीखा है, बट इट वॉज सो डिफिकल्ट। ऐसे लग रहा था सूर्य नमस्कार नहीं कर रहा, स्ट्रेचिंग कर रहा है बॉडी की, हर एक मोमेंट पे बॉडी पेन कर रही थी। बट डिसाइडेड कि कल से हम थोड़ा थोड़ा ऐसा एक्सटेंड करेंगे, एंड वील स्टार्ट वर्किंग आउट विद सम मोर तरीके, हम कुछ और भी एक्स्ट्रा डालेंगे वर्कआउट्स में, बट बहुत डिफिकल्ट है भाई। तुम लोग भी घर पे बैठे हो, प्लीज़ थोड़ा बहुत कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार ही कर लो, एटलीस्ट बॉडी इतनी टाइट नहीं होगी। हाफ ऑफ माई लाइफ इज गोना गो लाइक दिस। वेटिंग में तो वाईफाई चालू ही नहीं हो रहा यार, बंद हो गया वाईफाई। आप कॉल अ टेक्नीशियन नाउ, ही इज लुकिंग इन टू इट, बट ये बहुत घटिया चीज़ है। मतलब वेन यू रियली नीड द वाईफाई टू वर्क, तभी बंद होता है वो। है ये खाना, ये तारक मेहता। हाय पापा, पापा हाय। हैव यू एवर नोटिस्ड योरसेल्फ व्हाइल ईटिंग योर फूड? भाई मैंने तो आज कर लिया, मतलब कोई मेरी शक्ल तो देखो, ऐसे लग रहा है टीवी के अंदर से इंसान बाहर आ जाएगा, इतना फोकस है मेरा टीवी में। नीचे क्या खा रही हो ऐसा लग रहा है, कोई भी कुछ भी ला कर दे देगा मैं फिर भी खा लूंगी, इतना फोकस है। तो कोई नहीं टीवी देखता होगा यार। हेलो, द ओनली वर्क दैट हैज नेवर चेंज्ड इन माय लाइफ इज डूइंग यूटेंसिल्स। इवन इन द प्रीवियस हाउस आई यूज्ड टू डू यूटेंसिल्स, एंड इवन इन दिस हाउस जिंदगी हमारी इसी में जा रही है, कुछ नहीं कर सकते। I really feel sometimes whatever life struggles you go around with, you have to do your basic things. हमारा basic काम है बर्तन धोना। बर्तन हो जाए तो पोछा भी लगा ले। Thank you very much, mummy. इतनी sweet कैसे है तू? This is how my mom treats me.
ये मम्मी है ना क्या करती है पता है, खुद सारा काम बोलती रहती है, मैं सो जाती हूँ जाके, तू करती रह, तू करती रह, और कंटिन्यू काम करती रहेगी, सोएगी तो है ही नहीं। अरे ओ भाई, आई एम श्योर इफ एनी वन मॉम इज वॉचिंग द वीडियो शी मस्ट बी वेरी प्राउड कि मेरी डॉटर कितनी अच्छी यूट्यूबर का वीडियो देख रही है। एनीवेज आई एम डन द डेज व्हेन आई जेन्युइनली हैव नथिंग टू डू, दिस इज व्हाट आई डू। कुछ नहीं है करने को तो फेस मास्क लगा लो, बात खत्म। मतलब फेस मास्क चाहे कितने भी अंदर स्पैचुलाज या कुछ भी निकले, आई स्टिल फील अप्लाइंग इट विद योर ओन फिंगर्स इज द मोस्ट इजीएस्ट वे एंड इट डज नॉट इवन वेस्ट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। एकदम परफेक्ट होता है ना, कितना अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है, इतना परफेक्ट ऐसे लग रहा है पेंट किया है मैंने चेहरे को। आई एम जस्ट प्लानिंग टू डू अ कपल ऑफ अनबॉक्सिंग थोड़ा सा एंड देन वी कैन डू समथिंग मोर। हेलो पापा, कैसे लग रही हो ना पापा? अच्छी लग रही हो ना मैं? थैंक यू यार पापा। अच्छा ठीक है, मम्मी देखो भी लगाना है? नहीं मेरे को नहीं लगाना, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। हिंदी लड़की तू वापस आ गई। I've got a few parcels which I had to open क्योंकि ये सूख ही नहीं रहा था, तो I thought कुछ तो घरों में बैठे बैठे, so I thought to open it with you guys. The very first one is this Maybelline. This is just a PR kit and we've received these. Dude, ये sachet वाला idea बहुत सही था। I mean they've got lipsticks in sachets, they've got foundations in sachets. क्या सही, I've got like so many. Let me show you इसके अंदर का कैसा है। Love, this is such a cool idea, dude. It has a proper wand that you use for your lipstick. Can you see that? And it is for 99. काफी बढ़िया यार. Even the foundation. अच्छा, मेरे को लगा मैंने कुछ तोड़ दिया. Then I realized no, it's like this. So I just have to remove it and put it like this. Cool, yeah. What a great idea. This one is just for 60 rupees. काफी cheap है ये तो. But I think quantity के हिसाब से काफी सही है. This is good for travel. So this was our first unboxing thing. I've received one more packet for the same and that is the reason ke main ye sari cheeze hai na sell off kar deti hu, which I'll tell you later. And we've received something from one of my favorite brands, that is Wow. Inka to saman mujhe hamesha double hi aata hai because for Insta and YouTube we always have the same campaign in and off. So I opened one of those bottles. I think in the recent video you must have seen that maine Wow ka dikhaya tha and here it goes again, the same entire range. This is the reason I don't keep products with me and I sell it off. Next is from Meesho. I'm not going to show you this kyunki iska to hame haul video banana hai. Aur khatam ho gaya. Itna jaldi kaise khatam ho gaya yaar? Also product list that I was talking about. So basically क्योंकि ये products मेरे को इतने double double आ जाते हैं, I prefer selling them off or giving it as a giveaway. Giveaway बहुत जल्दी करने वाली हूँ मैं on my Instagram. So if you're not following me there, please do that. And second, the product list has everything that I wish to sell at a 30 to 70% off prices because of course ये मैंने पैसे से खरीदे नहीं है, तो I prefer giving it on a discount. And all that money I use it to donate anywhere that is required. So of course तीन जनों का फायदा हो जाता है यार, मेरे प्रोडक्ट एक्सपायर वेस्ट नहीं होते बड़े बड़े, दूसरे तुम्हें काम आ जाते, तुम्हें सस्ते में मिल जाते, और तीसरा वो पैसा मुझे किधर डोनेट करने में भी काम आ जाता है. ऑफकोर्स लास्ट टाइम मुझे बहुत लोगों ने बोला था डोंट यू डोनेट योर ओन मनी, मैं क्या करूँ फिर इन प्रोडक्ट का, फेंक दूँ ऐसे ही वेस्ट कर दूँ? मतलब हेलो, एंड आई एम डूइंग गिव अवेज, बट लिटरली लेट मी शो यू कितना प्रोडक्ट है मेरे पास, लाइक लेजिट. कैन यू सी ऑल दोज बॉक्सेस? ये सारे बॉक्सेस में है ना, लुक एट दिस, ये सारे बॉक्सेस में अभी तक भी प्रोडक्ट ही पड़े, ये देख लो. एंड दैट इज द ओनली रीजन के मेरे लिए बेचना इज द मोस्ट बेस्ट पार्ट, क्योंकि वेस्ट नहीं होगी चीजें, और गिव अवे तो हेलो आई एम डूइंग इट वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई इंस्टाग्राम. बहुत जल्दी आने वाला एक. ओके आई थिंक आई शुड जस्ट वॉश दिस ऑफ क्योंकि ये तो सूखने से रहा, सो लेट जस्ट गो एंड वॉश इट. ओ बाय द वे दिस इज हाउ आई स्पेंड माई इवनिंग्स, से हेलो. हाय.
दैट्स माय बेस्ट फ्रेंड हु इज इन कनाडा एंड कभी मिलने नहीं आती है हमें. डायरेक्ट कब आएगी तू? आल्सो आई एम नेकेड अंडर द शीट. नो वन नीड टू नो दैट. शी इज ओनली गोइंग टू कम. दैट्स फॉर एवरीवन वांट्स टू नो. No, no, nobody wants to know that. She's only going to visit India when I plan to get married, right? Right. And this is how I end my evenings watching K-dramas. All thanks to you guys. इन्होंने मुझे इतने सारे suggestions दिए थे for K-dramas on my Instagram story. Like guys, that was really required at that point of time. और भी ऐसे मेरे को बहुत सारे suggestions थे आप लोगों से. तो stay tuned for on the stories. Also, if you have any suggestions, please put down in the comments. Much needed. And if you can guess the one that I'm watching, it's one of the famous K-dramas. So if you can guess it, let me know in the comments below. Let's see who gets it right. And I'll see you guys next time in some other vlog. Thanks for watching because aap log ki wajah se at least I am doing something. I'm making vlogs. And thanks to you guys. And let's spend the evening by doing this. I'll see you guys next time in the next video. Bye.